दोस्तों, क्या आपकी लाइफ वैसी ही है जैसी आप हमेशा से चाहते थे? अगर नहीं तो अभी भी देर नहीं हुई है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ 3 स्टेप्स में बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए ट्रेन कर सकते हैं और अपना मनचाहा जीवन बना सकते हैं। कैसे, वही बताने वाला हूँ मैं आज की इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है संजय जैन। मैं एक लाइफ कोच और माइंड पावर ट्रेनर हूँ। दोस्तों, अगर आपका अपने माइंड को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो जो सबसे पहला स्टेप है वह है आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में क्लियर रहें, स्पष्ट रहें। जब आप भगवान से पूछते हैं कि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने अंदर देखें और खुद से पूछें कि क्या आप इस बारे में बिल्कुल क्लियर हैं, स्पष्ट हैं? क्या आप हासिल क्या करना चाहते हैं? जब भी किसी विचार या प्रश्न के लिए आपका जवाब हाँ भी होता है और ना भी होता है, तो समझ लीजिए कि आप दुविधा में हैं और तब आपका वह काम नहीं होने वाला है। जब आप अपने काम को लेकर स्पष्ट नहीं रहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ठीक से काम ही नहीं कर पाता है। और क्या आप जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपका 95% दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा है और यही वजह है कि आप जो सोचते हैं वहां नहीं पहुंच पाते हैं। जब आप मिले जुले विचारों से फ्री हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, तो आपको तुरंत अपने काम में वह तेजी दिखाई देगी जिसका आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे। और दूसरा स्टेप है कि डू व्हाट यू से। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी कमिटमेंट करते हैं तो आपको उसको पूरा करना ही पड़ेगा, यह कंपलसरी है। अगर आपको लगता है कि आप कोई काम नहीं कर सकते हैं तो आपको उसको कमिट करना ही नहीं है। आपका सबकॉन्शियस माइंड तभी ट्रेन होगा जब उसको पता होगा कि उसके पास वह काम करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इस तरह से जब आप अपने जीवन के लिए कोई विचार बनाएंगे तो आप उसको अपने जीवन में असल में देख भी पाएंगे। और तीसरा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है अपने पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करना। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव और निगेटिव इमोशंस के बीच का अंतर बिल्कुल भी नहीं पता है। उसे तो बस गहरी और कमजोर भावनाओं के बीच का अंतर ही पता है और निगेटिव विचार ज़्यादातर गहरे होते हैं, इसलिए वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ज़्यादा तेजी के साथ अफेक्ट करते हैं। जब आप अपने पॉजिटिव इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वे भी गहरे बन जाते हैं और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को यह मैसेज पहुंचा पाते हैं कि आपका जीवन बहुत अच्छा है और आप बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, स्पष्ट रहना, कमिटमेंट पर कायम रहना और पॉजिटिव रहना आपके सबकॉन्शियस माइंड को बहुत स्ट्रांग बना सकता है। तो देर मत कीजिए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को अभी से ट्रेन करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज संजय जैन, डायरेक्ट दिल से।